दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में और एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ शिव सुंदर। आज का वीडियो आपसे शुरू करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ आज सबके सामने पेश करता हूँ, डाइजेरेफ्ट, जो कि सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन, जो कि मेन फ्लेवर है, उसके बारे में आज टोटल डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। इसके बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं, तो प्लीज़ यार आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिल्कुल की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और जो लोग प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये जो सस्पेंशन है दोस्तों, इसको कौन सी कंपनी बनाते हैं, आवर्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, सॉरी आवर्ट इंडिया लिमिटेड बनाता है इसको, मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों, ये क्वांटिटी आता है 150 ml का आता है। इसका प्राइस के बारे में बात करें तो ये 165 ml का आता है। दोस्तों, मैं इसको, मतलब मैं इसे खुद यूज कर रहा हूँ, इसके बाद ही आपको मतलब रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, कैसा है। लेकिन ये दोस्तों, मतलब आपकी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है। अगर आप एंटासिड यूज करना चाहते हो, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी पेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगर हम इसके मतलब कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें क्या क्या रहता है ना, सोडियम अल्जिनेट रहता है, जो कि 250 mg ईच 5 ml कंटेंट, ओके, सोडियम अल्जिनेट रहता है जो कि 250 mg। उसके बाद रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जो कि 133.5 mg का, और उसके साथ साथ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि 880 mg का इसमें अवेलेबल रहता है। दोस्तों यहाँ पे सीधा बात करना, वो मतलब यूजेस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, आपाच को ठीक करता है, ठीक है, पेट खराब या फिर इंडाइजेशन अगर होता है आपको, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहता है, उसको ये ठीक करता है। दोस्तों, पेट में जो अल्सर होता है उसको ये ज़्यादातर ठीक करने में हेल्प करता है। दोस्तों, उसके साथ साथ अभी मतलब कभी अगर आपको हार्ट बर्न होता है, ठीक है, हार्ट मतलब जलने का अगर आपको फील होता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। दोस्तों, ये जो मतलब कंपनी का दावा किया गया ये है कि यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ अप टू 4 आवर, यानी कि 4 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है। ये मेन फ्लेवर में अवेलेबल रहता है 150 ml का, जैसे कि बताया आप सबको। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये जो डाइजेरेफ्ट ओरल सॉल्यूशन है मेन फ्लेवर का, ये क्या करता है ना, न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, कहाँ पे, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना, आपको पेन से, ठीक है, और डिस्कम्फर्ट फील होता है जब, उससे ये रिलीफ देता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये क्या करता है ना, ये इनिवेट करता है पेप्सिन को, ठीक है, पेप्सिन का जो एक्शन होता है उसको ये इनिवेट करता है, जिसके कारण क्या होता है ना, आपकी जो पीएच होता है उससे वो बढ़ोतरी होता है, इंक्रीजिंग होता है। दोस्तों, बात करते हैं इसका डोज के बारे में। दोस्तों, एडल्ट और चिल्ड्रन जो कि 12 साल से ऊपर है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, 10 से लेकर 20 ml ले सकते हैं, रात को खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करते हैं ना, जो चिल्ड्रेन है 6 साल से लेकर 12 साल तक, वो 5 से 10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं रात को खाने के बाद। यहाँ पे डोज लिखा हुआ है, जो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो पाए। दोस्तों, इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ये ज़्यादातर हर मेडिसिन शॉप में नहीं मिलता है, पर अगर आपको खरीदना है ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाके जहाँ पे वहाँ से आप मतलब परचेज कर सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ी मतलब बहुत कम जगह पे ये अवेलेबल रहता है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो ये मतलब हार्ट, इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको हेडेक होने का चांस रहता है, ठीक है, पेट में दर्द होता है कभी कभी, उसके साथ साथ तो वोमिटिंग होने का भी चांस रहता है। अगर आप सबको ये मतलब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो आप अपने डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपको आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, इसको चिल्ड्रेन से, जो छोटे लोग हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनसे दूर रखना है, उनको नहीं देना है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको कार्डियक फेल्योर होता है, ठीक है, वो जिन लोगों को कार्डियक फेल्योर मतलब होता है, डिजीज है, वो लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, और हाइपरटेंशन जिन लोग है वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फिर ये था सारा कुछ डाइजेराफ्ट सस्पेंशन के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।